जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, संगठित क्षेत्र के कर्मियों की नई पेंशन योजना जल्द। वही बात करते हैं, कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन EPFO संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना से विचार कर रहा है। इस योजना का लाभ संगठित क्षेत्र के सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति महीना है, इससे ज़्यादा, और उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS के तहत अनिवार्य कवर नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे सभी कर्मचारी EPS के तहत आते हैं जिनका मूल वेतन DA के साथ बेसिक पे होता है 15,000 तक। इस मामले से जुड़े सूत्र ने बताया है कि EPF के दोनों की मांग की है। EPFO ने 2014 में मासिक पेंशन योग मूल वेतन को 15,000 रुपये तक मासिक करने के लिए योजना महसूस किया है, और 15,000 की सीमा सिर्फ सेवा में ही शामिल होने के समय मूल लागू होती है। संगठित क्षेत्र के मूल वृद्धि की वजह से इसे 1 सितंबर 2014 से 6,500 रुपये प्रति किया गया था। तो दोस्तों, जो आप सभी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो को अंत तक देखें।